गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं सब अच्छे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। ओके 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 फाइन ओके। चलिए मैं आपको म्यूट पोजीशन पे डाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेट अ मिनट बेटा, वेट बेटा। यस, क्लोज योर आईज एंड लेट्स रिपीट गायत्री मंत्र विद मी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, नाउ ओपन योर आईज। ओके, टेल मी व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। इवन प्रीवियस क्लास में नहीं, हमने ऑफलाइन क्लास में ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सो नाउ आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू टेल व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। यस, राइट इन अ चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा। क्यूबिट, वेरी गुड। आप सब ने उसकी एक्टिविटी की? यस, नक्श अगोला। अभी तो सारे बच्चों के नाम भी याद हो गए हैं। यस, फुटस्पैन, कीर्तना, सबने एक्टिविटी की? यस, सेंड किया सबने? कोई वीडियो तो नहीं आया बच्चों आप लोगों का? इट्स नॉट अ डिजिट, इट्स अ डिजिट। पैंस, यस। पेस, देन व्हाई डोंट why did you not send me the video? ओके, चलिए अगर आपने एक्टिविटी की है तो उसके आप मुझे वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है? क्लियर एवरीवन? समझ आया सभी को? ओके, सो हमारा जो मेजरमेंट टॉपिक था, वो मेजरमेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना? मेजरमेंट टॉपिक के साथ साथ यू कैन से कि मेजरमेंट टॉपिक क्लियर हो चुका है। मेजरमेंट टॉपिक को एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के साथ किस तरह से हमने मेजर किया था बाय यूजिंग अवर बॉडी पार्ट, इट इज आल्सो क्लियर, है ना? सो टुडेज टॉपिक इज लेंथ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर थ्री वेज टू मेजर द लेंथ, मेजर फॉर टू मेजर द ऑब्जेक्ट। वन इज लेंथ, सेकेंड इज वेट, एंड थर्ड वन इज कैपेसिटी। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द लेंथ। ओके, so let's start today's topic. बनाया है लेकिन भेजा नहीं है। ओके कीर्तना, try to send as soon as possible बेटा। so our topic is length. now वॉट इज लेंथ, ठीक है? लेंथ का हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, बट आई टोल्ड यू कि ओनली दिस यूनिट इज नॉट सफिशियंट। यस, नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंथ के रिगार्डिंग ये है, आपको बताना है मुझे। सी, वी कैन मेजर द लेंथ बाय डिजिट, बाय फुट, बाय हैंड स्पैन, बाय क्यूबिट, बाय फुट स्पैन, बाय पेस, है ना? देन वॉट इज द नीड टू लर्न एडवांस यूनिट्स ऑफ लेंथ? फिर क्या नीड होती है अगर हम डिजिट से, फुट स्पैन से लेंथ मेजर कर ही सकते हैं, तो फिर क्या नीड होती है हमें? देन व्हाट इज द नीड टू लर्न एडवांस यूनिट कह सकते हैं एक तरह से, अभी उससे हम एडवांस बोलेंगे क्योंकि बाद में क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम डिजिट से, हैंड स्पैन से, पेस से किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो क्या नीड है कोई और यूनिट्स लाने की हमको? राइट इन अ चैट बॉक्स। यस, व्हाट इज द नीड टू लर्न एडवांस यूनिट्स ऑफ लेंथ?
यस नो वन नोज, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? मेजर ह्यूज ऑब्जेक्ट, तो वेदिका ह्यूज ऑब्जेक्ट को, ह्यूज से ह्यूज ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास अब तो फुट है, फुट स्पैन है ना, क्यूबिट है, देन व्हाट इज द नीड टू लर्न एडवांस टेक्निक ऑफ लेंस? फिर क्या जरूरत है हमें लेंस को और आगे किसी और फॉर्म में सीखने की? यस, बहुत इजी आंसर है बेटा. और मैंने अगर आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराऊं, अगर एक क्लू दूं, तो मैंने आप लोगों को बोला भी था जब आप लोग टेबल मेजर कर रहे थे, टू मेजर स्मॉलर लेंथ. नहीं, स्मॉलर लेंथ तो कितना, वी कैन मेजर स्मॉलर लेंथ बाय डिजिट, एंड फॉर बिग ऑब्जेक्ट वी कैन यूज क्यूबिट, फुट, फुट स्पैन. आपको इफ यू रिमेम्बर दैट डे आई टोल्ड यू कि द लेंथ ऑफ द टेबल इन हैंड स्पैन इज डिफरेंट, है ना, अलग अलग, याद है आप लोगों को? नो, डिफरेंट शेप इज नॉट अ गुड, नॉट मेजर डिफरेंट शेप. माई क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए डिजिट है, ठीक है, हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, फुट स्पैन है, पेस है, तो फिर हमें क्या जरूरत है लेंथ को किसी और फॉर्म में लर्न करने की? है ना, हमारे पास, हम डिजिट में बता सकते हैं. देन व्हाट इज द नीड टू लर्न मेजरमेंट टू एडवांस यूनिट ऑफ लेंथ? बहुत इजी आंसर है. और उस दिन मैंने आपको एक क्लू भी दिया था जिसमें मैंने कहा भी था कि हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे, जब आप लोग स्कूल आए थे और आप लोगों ने सबने अपनी जो टेबल है वो हैंड स्पैन के थ्रू मेजर की थी. रिमेम्बर एवरीवन, आपने अपनी टेबल हैंड स्पैन के थ्रू मेजर की थी और किसी का 5 हैंड स्पैन आया था और किसी का 6 हैंड स्पैन आया था. यस, रिमेम्बर? हाँ, फुट में भी मेजर किया था, याद है आप लोगों को? चलिए वहीं से ही अपना चालू करते हैं. यस वेदिका, स्लाइटली यू आर क्वाइट करेक्ट, नॉट टोटली बट क्वाइट करेक्ट. सी द स्किल टू बी डेवलप्ड बाय मेजरमेंट इज एक्यूरेसी, है ना, जब हम मेजरमेंट स्टडी करते हैं तो जो स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है वो होती है एक्यूरेसी. नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द रिलेशन मैम टू मेजर एनीथिंग? बेटा वो तो हम अब किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, वो तो आप कोई भी चीज लो, अब हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं क्योंकि सारे बॉडी पार्ट हमारे पास है, ठीक है. बट नाउ क्वेश्चन इज दैट द स्किल टू बी डेवलप्ड बाय अंडरस्टैंड टू लर्न द मेजरमेंट इज एक्यूरेसी. Now, what is accuracy and what is the relation of accuracy with length? See, जब आप लोगों ने हैंड स्पैन से टेबल अपनी अपनी मेजर की, ठीक है, देन यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट द लेंथ ऑफ द टेबल इज डिफरेंट फॉर एवरी वन, है ना. समवन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, समवन वर सेइंग माई टेबल इज मैम 5 डिजिट लॉन्ग एंड सम आर सेइंग कि माई टेबल इज 4 डिजिट लॉन्ग, सम आर सेइंग माई टेबल इज 6 डिजिट लॉन्ग. आपको याद है ये सब? किसी ने बोला था कि मेरी टेबल 5 डिजिट लॉन्ग है, किसी ने बोला नहीं मैम मेरी 6 डिजिट लॉन्ग है, याद आया आप सभी को? यस, ये आपको याद आया बेटा? हम जब उस दिन स्कूल में थे तब हमने जब अपनी अपनी टेबल मेजर की थी तो सबका अलग अलग हैंड स्पैन आया था. आपने अगर मेजर किया हो तो किसी का 5 आया था, किसी का 5.5 आया था, किसी का 6 आया था और किसी का 7 आया था, इवन मेरा 6 आया था, है ना. यस, सबको याद है? ओके, देन अब आप समझिए, अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो किसी का 5 हैंड स्पैन आ रहा है, किसी का 6 हैंड स्पैन आ रहा है, किसी का 6.5 हैंड स्पैन आ रहा है, यानी ये यूनिट जो है वो परसेंट टू परसेंट जो है वेरी कर रही है ना, ये यूनिट जो है वो परसेंट टू परसेंट वेरी कर रही है. यानी जब कीर्तना ने मेजर किया तो आई थिंक कुछ 6 था, नक्श ने मेजर किया तो कुछ 5 और 5.5 था. तो देखो जैसे जैसे सब बच्चों ने अलग अलग मेजर किया तो अलग अलग यूनिट सही है ना, तो दैट मीन्स आपको मेंशन करना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द टेबल इज 6 डिजिट फिर बाय कीर्तना, द लेंथ ऑफ द टेबल इज 5 यूनिट बाय नक्श, है ना. आपको पर्सन वेरी, जबकि हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए. यस नाउ प्लीज स्टॉप द चैट राइट नाउ एंड लिसन टू मी.
हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो पूरी यूनिवर्सल एक ही हो, चाहे आप यहाँ पे मेजर करें टेबल, चाहे आप उसी टेबल को, सेम टेबल को आप घर पे मेजर करें, और उसी टेबल को चाहे आप मेजर करें, उसी टेबल को चाहे मम्मा मेजर करें, उसी टेबल को चाहे सिस्टर या ब्रदर मेजर करें, उसी टेबल को चाहे फादर मेजर करें, द लेंथ ऑफ द टेबल है ना, जो लेंथ है वो टेबल की क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। जबकि जब हम हैंड स्पैन से कर रहे हैं तो सेम नहीं है, आपसे छोटी अगर सिस्टर कर रही है तो वो ज्यादा डिजिट लॉन्ग आ रहा है, आप कर रहे हो तो वो मान लीजिए छोटी सिस्टर कर रही है तो वो एट डिजिट एट हैंड स्पैन लॉन्ग आ रही है टेबल, आपने किया तो सिक्स हैंड स्पैन आ रही है, मम्मा ने किया तो फोर हैंड स्पैन आ रही है, यानी दिस विल वेरी पर्सन टू पर्सन। सो वी रिक्वायर्ड द यूनिट विच विल बी यूनिवर्सल, विच विल बी यूनिवर्सली सेम, जो यूनिवर्सली सेम होगी, ठीक है, दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड यूनिट। तो अब क्या फर्क है नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वेरी पर्सन टू पर्सन, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती। आप मेजर करें, मैं मेजर करूं, द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट है ना विल बी सेम। क्लियर, सबको समझ आया एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड की अब ये कहानी कि क्यों हमें जरूरत होती है नॉन स्टैंडर्ड की। यस, पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम डाउट्स भी क्लियर करेंगे। यस एवरीवन, अब समझ आया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। क्यारा, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि स्टैंडर्ड यूनिट हमें क्यों चाहिए होती है। स्टैंडर्ड यूनिट हमें इसलिए चाहिए होती है बेटा क्योंकि या जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है उनको स्टैंडर्ड इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी मेजर करेंगे, चाहे आप अपने यहाँ पर मेजर करें, घर पर मेजर करें, स्कूल में मेजर करें, उसका जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा वो। आप मेजर करो, मम्मा मेजर करे, इट विल बी सेम। क्लियर, सो तो हमने अभी बात की स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट की। नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट, ऑफ लेंथ इज मीटर, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्लियर, क्या होती है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर होती है। क्लियर, ठीक है, और वन मीटर जिसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वन मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो सीएम है ये सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है, सी एक मीटर के अंदर पेज नंबर 162 मीटर, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, यू कैन से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, आइदर यू कैन से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। समझ आ गया है सभी को, अब कैसे समझेंगे, पेज नंबर 26 ये देखिए, यहाँ पर सभी को एक मेजरमेंट पे यहाँ पे 1 दिख रहा है सभी को, 0 1, वेट मिनट, नाउ माय वॉइस इज क्लियर बेटा, कितना यस, नाउ माय वॉइस इज क्लियर टू यू बेटा, एक मिनट मैं लीव करती हूँ, आई थिंक किसी ने लास्ट में लॉगिन नहीं किया, एक मिनट आप मुझे, एक मिनट बेटा आप लोग रहिए, मैं आप